हे बेबी डॉल, कहाँ जाना चाहती हो आप? तेरा ऐसा गेंद बजाऊं? आ जाओ। दे। अंदर आ जाओ बेबी। बेबी नहीं, क्यूट बॉय। क्यूट बॉय, क्यूट बॉय कहाँ चले? एयरपोर्ट, दिल्ली। एयरपोर्ट पर? हे गाइस, इट्स मी बाबा एंड दिस साइड काका श्री। काका श्री। तो आज के नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। और आज सुबह सुबह हम उठे हैं इतनी जल्दी भाई। मैं बहुत दिन बाद उठा हूँ काका श्री। मैं तो इतनी जल्दी। अच्छा, हाँ मेरा तो रात को लेट सोया करूँ भाई और सुबह उठा करूँ लेट, क्योंकि रात को रहा काम और एडिटिंग वगैरह। और देखो आज पता चला मेरे को कि धुंध होने लगी भाई, बहुत जबरदस्त धुंध हो रही है, दिखाऊंगा तुमने। और सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, हम जा रहे हैं बड़े भैया को लेने, डॉक्टर साहब को लेने जा रहे हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम करेंगे आज शॉपिंग, काका भी करेगा, मैं भी करूंगा और बड़ा भाई भी करेगा। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो मियां बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट कुछ कर दीजिए। मेरे को ड्रेस कौन दिलाएगा? मैं दिलाऊंगा काका, मेरी पसंद की दिलाऊंगा काका को ड्रेस, बाकी पैसे काका देंगे। क्योंकि काका के आए हैं गाइस, कल वाले वो लोग में आपने देखा होगा काका के आए हैं भाई, 8 लाख रुपए, 4 लाख अभी आने वाले, 4.5 लाख आए थे। तो आज भी तो आने वाले हैं ना, तो आज 4.5 आऊंगे। हाँ तो फिर तो बताओ किसको किसको दिलाने चाहिए ड्रेस, अब आप खुद बता सकते हो। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। और अब हम ये देखिए, ये 9 लाख तो भरा है, यो 9 करोड़ तो ना भरा है, यो ना भरा है। अच्छा, यो ना भरा, यो 9 करोड़ तो ना भरा है। आज मन पता चला काफी टाइम बाद की इतनी ज्यादा धुंध होने लगी। धुंध में आराम आराम से चलो, आराम आराम से चलो। हाँ काका, सब आराम आराम से चलना भाई, आगे आप धुंध शुरू हो जाएगी। काका श्री की जरूर मानना है, अच्छी अच्छी बात है। इतना ज्ञान कितना आ गया एकदम तू। अरे तो अच्छा, सब अच्छे हैं मेरे यार, सबको बताना नहीं चाहिए भाई, आराम से चलना चाहिए धुंध में। गाइस नु बताओ ये कौन सा पक्षी है। हाँ भाई काका श्री, के कुछ कपड़े के ले का हो, के शॉपिंग कर का हो, नु तो बता दियो इन ते। मैंने वो लेना है ना, के वो ब्लेजर वो लेके आऊंगा, और पैंट शर्ट, और तू मेरी जान कुछ दिवाओगी। चीटिंग करता है तू, तेरी पसंद की दुआ सकूं तन देख रहे तू। हाँ तो तेरी पसंद की दुआ दे, मैं तेरी पसंद की तो चाहिए ना। अच्छा, के जो भी तू दिवावा, और इस गोद से भी कुछ दिलाना है। अच्छा बताइयो भाई, दिवाना चाहिए कि बकवास करता है ये। गोद जब पाड़ ले तू, एक काम कर जा, तू राजी रहे और बोलो भाई गोद ले लेते। ऐसे ऐसे बच्चों के गोद नहीं पाड़ेंगे, बच्चों को जेब खर्ची। गाइस आज कल रात को तो बताऊं क्या सीन था। कल रात को भाई मतलब छोटा सा पिकर था, तो छोटा सा पिकर ले आए थे, वो रख लिया था, बाकी उसमें ना हमने मजा नहीं आया। तो आज लेके आवांगे हम पेटी, डीजे बड़ी पेटी लेके आवांगे, क्योंकि कल रात ने ना बहुत सी लेडीज इसी आ रही थी जिनका नाचन की जिम थी, और उनका पानी उठा क्योंकि आवाज बहुत कम थी। जत्ता ही म्यूजिक भीतर नहीं लगाया ना यहाँ दिल में। और काका ने भी भाई थोड़ा बहुत तो डांस दिखाया था, पर काका ने बोला मैं तो पेटी बाज है जब बना चूंगा काका, यही बात है। आज ओस की ना तो दामन का जुगाड़ हो गया, तो थारा भाई भी दामन पहरेगा, दामन और कुर्ता, दामन और काका ने बनाओगे मूछ माछ। काका मूछ तो कौन है तेरा, यो काम तो गलत हो गया। तो ये कौन सी बात है, बाकी भेरो है हकीकत में देख करने, तो मैं तेरे लोग लागू तू लुकाइया भर को मुंह हो रहे हो तेरे। रुको जरा सबर करो, वहां जाओ। चल ठीक है, बाकी का संतुष्टि के लिए चल छोड़ो, मैं भाई दामन पैर लूंगा और ऊपर पैर लूंगा कुर्ता आज रात ने। हाँ। गाइस और काका के धोती धाती पैर है के पैर है तू, मैंने जो भी सही नहीं लगा मेरे पास सच के वो ही पहन लो मैं। हाँ भाई ऊपर तो पापा कुर्ता पहनूंगा और दामन पहनूंगा, आज मिल जाना चाहिए वैसे, क्योंकि है ना मनना चाहिए नीचे तक का दामन भाई बढ़िया। अगर आज दामन मिल गया ना, क्योंकि मन घनी जगह पर घने बड़का था कह रखी है, अगर उन्हें दामन का इंतजाम कर दिया तो आज दामन पैर का डांस दिखावा है तुमने से अपने व्लॉग में, और बने रहो व्लॉग में, और है ना कमेंट करा रहो नहीं काका श्री, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करो यार, कंजूसी करोगे शुगर हो जाएगी, पहले बता देता हूँ। काका फोन आ गया, फोन डाले काका। जाम जाम
जामा दिखाइए, बहुत परेशान है ब्लॉग ये हमारा ब्लॉग शूट करता कट्टी हो गया मैं। अरे ऐसे एक बात बताओ रे, काका का मुंह देखो किसका, मर्द मानसा वर्गा मुंह है, किसका लुगाइया वर्गा मुंह है यार। मैं को मोटो थोड़ी सो आग डाडी बता यार दूगा मोटे बता रहा डाडी बकवास कर रहा है लड़की उड़ की डाडी तो रखने चाहिए एयरपोर्ट पर, क्योंकि भाई काफी टाइम हो गया उसने आए और हम बहुत ज्यादा मिस करने लग रहे हैं उसने और वो आने लग रहा है, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। अच्छा। और फिर शॉपिंग करांगे मजा आ जाएगा ना काका। हाँ मैं मन भी मजा होगा ना, मेरे तो ड्रेस दिवानी तेने है। ड्रेस बाकी तन्ने ही दुवानी है मेरे तो, ये बात तो ये वही कही जा। अच्छा कोई बात नहीं काका, चल छोड़ यार, चल छोड़ तू कच्चे घाट मोज ले जीतू भाई। ओके कच्चे घाट, कच्चे घाट बाबा बोला कि ऐसे ये देखो भाई डमरू बजा नहीं ना तू बजा तन्ना नो गाइस पता कि हम आगे उसने लेन, बाकी उसने भी यह चीज ध्यान नहीं करी ना, पहले बतानी थी कौन से टर्मिनल पा होगा, तो अगर बता देता ना एक पा होगा दो पा होगा या तीन पा होगा तो हम सीधे उत्तर से ले जाते, इब हमने बेरा नहीं यार वो कौन से टर्मिनल पा होगा, तो इब हम बस गाड़ी नुरान प्राण घुमा रहे एयरपोर्ट पा गए और हम वेट करने लग रहे आगे वो कोई नीचे उतरा और नीचे उतर के अर्शिदा मार दो फोन कर मारते बता दे किताना भाई, अगली बार ध्यान रख के बता दिया अगर मारते भाई। बोल जाज रही तेरी जिसमें तू लड़ाई लड़े आ रहे बैठ के देवारी वकड़ी क्या। हाँ यही है मेरी, यही है ना इससे मत हो काकी निशम लेगा है तो ना। अरे गाइस वेट करते करते घना टाइम हो लिया भाई, और वो क्यों चलान काट देंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? बीड़ी सिगरेट पीते नहीं है इधर, क्या क्या है काका? पहली बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, दूसरी बात पर क्या क्या? ये बीड़ी सिगरेट पीना गंदी बात होती है, गंदी बात होती है, नहीं पीना चाहिए कैंसर हो जाएगा। नशा मैं देखूं गोलियां पत्तों की, इसका ऊपर भी के दे रहा है ना उड़ान दे, मैं देखूं गोलियां पत्तों की शोक से इसमें। तेरी गाड़ी में लाइटर क्या काम कर रहा है? मेरी गाड़ी में बीड़ी कितना इनू बता दे तू। मैं तो ये लेता हूँ मेरी दवाई, दवाई को ना खांसी को जाए सब ने हो। या स्मोकिंग कर सकते हैं गाड़ी में बैठ के, स्मोकिंग कर सकते हैं गाड़ी में। मत तेरा खाते बुझे तू इन्हों को तो। ओ तेरी घर है गाइस रे के सब तो यो आदमी नहीं पसंद दे भाई रे। ना ना मैं कहां बेइज्जती कर रहा हूं तेरी, मैं बड़का नहीं ये बताता हूं कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मेरे तो ये गंदी लत लग गई है। तो मैं किसी को गलत शिक्षा थोड़े दूं, अच्छी बात बतानी चाहिए। देख खांसी आवा है ना ऐसे ही खास हो गए जब बीड़ी पियो के था। सो गाइस अभी अभी काका श्री फोन पर बात कर रहे थे और मेरे को पता लगा कि काका थरी बोल रहा हूँ, काका श्री सॉरी। सो मेरे को पता लगा कि काका श्री जाना चाहते हैं थाईलैंड, और जाएंगे थाईलैंड। ओके जाऊंगा 100%। तो किसी ने साथ चलना हो तो मेरे को बता देना, तो मैं काका श्री से पूछता हूँ भाई आप करो क्या थाईलैंड जाके, आप तो थाईलैंड क्यों जाना है, घूम के आना है थाईलैंड क्यों? क्यों थाईलैंड में क्या कमी है? नहीं कमी तो कुछ नहीं, पर थाईलैंड ही क्यों समझो। बस ये अभी बच्चा है, घूम के आना है वादियों में, वादियों में। फिर तो मैं भी चलूंगा साथ में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ लियो नीरज, आ लियो। बस आप ऊपर चले गए थे, घुमा के नीचे ले आए गाइस। यो आ गया भाई, आजा आजा। राम राम भाई, ये आ गया भाई। इन दोनों भाइयों का ऐसे ही प्रेम बना रहा है, बहुत काफी लंबे टाइम के बाद मिले। ओके और क्या हाल डॉक्टर साहब? राम राम, राम राम, आजा आजा राम आजा आजा। हाँ भाई जीतू हरियाणवी, आजा आजा जीतू हरियाणवी है यो चैनल बुला रहा क्यों है ये बस बढ़िया। काका ही वो लोग काम, इतनी तगड़ी डिमांड है, बहुत तगड़ी काका भाई।
पसंद कर रहे हैं लोग काका ने बढ़िया आगे कर ले ऊपर थोड़ी एक मिनट और सो गाइस अब गियर रखे ने चलो तो चलते हैं गाइस अभी शॉपिंग करने के लिए। हाँ भाई काका श्री गाड़ी लगवाओ यार पार्किंग में लगा दे कितना दे अपने ये पार्किंग है। अभी आए हैं हम एम्बियंस मॉल के अंदर ये और यो ये गरीब आदमी में पीछे पड़ा हुआ है बताओ क्या दिलाना है इसका एक कच्चा एक बनियान दिवा दो डॉक्टर चल ठीक है चल ठीक है चल ठीक है याद है कच्चा बनियान दुआ दे मेरे दिमाग खुश डॉक्टर साहब देख रहे हैं भाई अभी काका श्री आओ ना बैठो ना गाइस काका श्री बैठो नहीं भाई हाँ भाई तू देख एक बार मैंने तो क्या पता मैं तो बच्चा हूँ अभी मैं तो बच्चा ही रहेगा क्यों यार हम तो ब्याह होने की सोच लगा रहे हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता गाइस देखना है भाई नहीं यार पता नहीं कितनों कितने लोगों का दिल टूट जाएगा सॉरी क्या कहा किस ये सारी ये आन मत दे तेरे कोई दिल आने हैं कुछ इनमें से हाँ इनमें से गाइस ये तो बकवास कर रहा बाकी 10,000 रुपए दे दे गाइस मंजूर है मदद 10,000 रुपए दे दे मंजूर है गाइस देना रहा इसके देने नहीं बनते वो बड़ा है वो काका कौन मना क्यों कर रहे हैं पिछला दे दे देखे भगवान ले सर पादर दे मंदिर दर लिए थे ले यार मैं दे रहा हूँ क्यों आत्मा बताओ गाइस कैसा लगा यो मुझे तो अच्छा नहीं लगा हमारे डॉक्टर साहब तन अच्छा लगा क्या देख ऊपर तो वो उस टाइप का ले देना ये लगेगा यहाँ पे ऊपर इसका अच्छा दिखा रहा सर इधर आए इसकी ये लुक आज मैं पहनूँ हूँ कुर्ते पजामे देसी लुक ऑलवेज नहीं का कसरे तन्ने पहनना चाहिए लहंगा देखा यो तो लग भी रहा कुछ उसका तो अच्छा लग रहा है वो आगे का काका के पास पैसे नहीं और काका सोच रहा मैं क्या लूं अब तो बकवास मत करिए गाइस बताओ बड़े भैया कैसे लग रहे हैं शूज ये चलेंगे इसके साथ शूज से ग्रेस से शूज भी लेना पड़ेगा मालूम बताइए पूरा बढ़िया लग रहा है भाई जी आप डालो ना इतना स्मार्ट हो यार मैं डालता हूं ना ये सॉन्ग को मार कसू तो बुला दिया देख के खुश है इस तो भुंडो मॉल में कोने उड़ा गए मार यार साले का खोपड़ी तोड़ साले का फोन पे खा लिए तेरा अरे ट्राई तो कर लो ये लो ना भाई ये फोन पे खाली मैंने पंप मारी आह दे के राजी भाई एक बार देख कर बताओ सबके सब कुछ एक्स मतलब कुछ अजीब सा तो लग रहा है बाबा जी नहीं लग रहे थोड़े देखो ना भाई मैंने ऐसे कभी ट्राई ना किया मैंने पहने ही ना देखो पहली बार इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम इन लाइफ सही है बाबा जी होंगे देखो भाई किसी को पसंद हो तो किसी को पसंद हो ना तो हमें बता देना हमें ये दान में देना है कोई ले जाओ इसको सारे आर्टिकल सुपर होते हैं पानी मत मार मेरे को तू सब समझता हूँ मैं बता देगा कैसे क्या
पानी मार रहा नो बेस्ट मैं और आर्टिकल दिखा नहीं हकीकत में उस थे ये थे सही बेस्ट पर यार हम ये कौन सी सब चीजें पहनते नहीं ना कैसे दुपट्टे उतार हो गया और किसको किसको तेरो कचोरी तो तू रही भैया अपनी घराड़ी है मैं इसका घराड़ा आई लव यू डार्लिंग आसान है असली दिक्कत बता दियो भाई गाइस कैसा लग रहा हो ओके गाइस तो हमने दोनों भाई लिए हैं जोधपुरी सूट है ना भाई और काका ने लिया है ठेंगा ये दिवाई किसने भाई सेलेक्ट करके मैंने दिवाया ये बकवास और भाई एक नंबर भाई हाँ और एक मैं फॉर एग्जांपल आप समझ जाओ अलग ही लुक आएगा भाई एक नंबर का सही तो अभी देखते हैं गाइस अब ये 29 तारीख को आएंगे हमारे पास तैयार हो गए तो उसके बाद देखते हैं पहन के 30 को रिसेप्शन में पहनेंगे इनको और अभी और भी कुछ देखेंगे क्योंकि अब 27 तारीख के लिए काका दिलाएंगे मेरे को कुछ क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं बचे गाइस अगर काका के चल रहे हैं तो 27 ने तेना परिंखा साथ है अभी जा दियो मैं क्या बार मारेगा यो डायलॉग 5 बार कह लिया बात है अरे वो फिर चला रहा के तो गए मैं तो मैं बंद कर दिया बूढ़ा हो गया ना दरिया सूख जाएगा तो भी गोड़ा गार रह जाते हैं बकवास कर जाते हैं शूट कर दे यही काम है तेरे इनविटेशन आ रहा देख लो मास्टर जी आज एक बात क्लियर होगी काका का मेरे पास फोन आएगा या मैसेज आएगा तो काका ब्लॉक कर दे ठीक है ठीक है अरे तू पढ़ा लिखा हमारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी के साथ रहने छठी फैल ज्ञान दे देखो रे गाइस बस डॉक्टर साहब अभी साइज दे रहे हैं अपना काका श्री इधर आ जाओ यार आप एक बार और मेरे को ये बता दो कि मतलब आप क्या ले रहे हो मैं बताऊंगा सब तो पहले तो भगवान देवता खुश हो जाए तू क्यों रोटी खाऊं गाइस बाकी एक बात बिल्कुल सच है आज हमने ना सुबह से खाना नहीं खाया मैंने कल भी नसीब नहीं आज आज हमने सुबह से खाना नहीं खाया और दूसरी 10,000 रुपए दे दे वो एक ही बोलेगा एक जोड़ी तन ड्रेस ना ली अरान दादी मेरे तेनू नहीं कह दिए कि ते नहीं ले गए 500 रुपए में ये पार्क में आया हूं मैं पार्क में यार है देख देख पुरान पार्क है पार्क में यार है पार्क करना रही काका एक काका ने भी लेना ब्लेजर मैं भी ले लूं एक ब्लेजर यार मेरा है इस तरह दुआ दे 20,000 रुपया ब्लेजर बढ़िया वाला कौन मेरे ठेकेदार आदमी है जो कोई मुंशी हो 20,000 रुपए का मेरा मुंशी पहनता है गाइस दिखाऊंगा चलो ठीक है इससे बात पे दिखाऊंगा यो 20,000 का ब्लेजर नहीं लेगा गाइस आप सब तो दिखाऊंगा ये चीज चल चल आ जा 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 चल अरे इधर पीछे ब्लेजर है अरनू का ही मन ना लेना पूरा महंगा मिलेगा वो अच्छे अच्छे है देख आ जा जा दिखाई लाऊंगा डॉक्टर साहब अरे तू चल ले भीतर तो चल साहब ने जो मना कर दिया चलो भाई जी मैं कैमरा बंद करता है ना इसकी हकीकत दिखाऊं आप सब नहीं का देख लेना भाई डॉक्टर साहब ने मना किया है मैंने उनको मन करी है भाई यो 3-4 लाख रुपया झूठा मिल गए 20,000 का ब्लेजर ना लेके जा गाइस आप सब ने दिखाऊंगा कम से कम 8-10,000 रुपया ले लिए ले इतने 8-10,000 नहीं अरे तो उस बनियान का जो बनियान तू ब्लेजर मन ब्लेजर खुल गए यार बात तो तू आ लिया इसमें का बदन वीडियो दिखा जो जब तुम कह रहे ये 8-10,000 बिना वो ब्लेजर बिना ठीक है ना झूठा क्या है इसमें
मैंने देख लियो, मैं कल जाऊंगा दादाजी। पैर के देख प्यारी समझ गई गाइस, इसलिए लेकर आया उठा डंडा मैं नाइव ले भाई। एक बार देख तो उनको देख, मैंने ज्ञान नहीं है इन को नहीं, वही सेम सेट बोल रहा हूं। कितने तक कपड़े का भाई? सर जा ला रहा दे दो भाई इसको, एक एक दो सेट दे दो इसको, मन कर लेना करो बल्ले। आज तेरी हकीकत दिखा हुआ तो दे, मैं भी लूंगा। हां आप भी ले लो, मन ज्ञान को यार, मन नहीं सही, मन को नहीं दे रहा तू। अरे तुम्हें नहीं है ज्ञान यार, पूछ के ले लो गाइस। जो वो बल्ला है जो लोग है ना, बस 4.5-5 लाख रुपया गया पहले। आज बच गया तू बेटा, आज तू सही बचा, आज तू सही बचा मेरा। आज बैग कर फंसे, भूख घर भूल गया हूं। और अब ऐसे यूं आन की थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, तो आज पेमेंट डॉक्टर साहब कर रहे हैं मेरी, जाके अकाउंटेंट को बोल दो इनको ट्रांसफर कर दें आरटीजीएस। कितने कितने का लिया? और ये 4.5 लाख रुपये होने बात है, इसने वितर कर ले। यो तो भाई सही है, लागत तो ही बढ़िया है, लागत तो ही बढ़िया है। तेरा तो ऐसा धोखा कर दे, खुद खुद के कपड़े ले खुल रहा। जल्दी चलो, लेट हो गए। अभी जा रहे हैं हम घर की तरफ और ले लिया है भाई, अभी दिखाएंगे। इसने नहीं कोई पेमेंट नहीं करी है, नीरज ने करी है भाई, और मन ने करी है। सही है, फिर मैं छोटा हूँ यार, मन ने पेमेंट करनी पड़ेगी तो फिर के सारा बचाना बचाना में सही है ना। मैं बचान बचान ठीक है, मैं तो मांगियो मेरे तरफ ही ना मांगियो, मेरे तरफ ही ना मांगियो तो मांगा। So guys, अभी जा रहे हैं घर पे और इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और जुड़े रहे टिंकू बाबा चैनल के साथ, लाइक शेयर कमेंट कर देना, तम कमेंट कर दियो कि ब्रो और भी बना दे मैं इस ब्लॉग में नहीं, रात को पता है क्या चीज़ है, रात को फंक्शन होगा तो वो अलग ब्लॉग आएगा। अभी जाके भाई डीजे वगैरह पेटी वगैरह उठा के लेके आएंगे, काफी लेट हो गए। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, राम राम, जय बोलना, love you।